शिव आराधना के सावन मास के सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में भोले भंडारी का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया गया। इस मौके पर महादेव कैलाशी राजाधिराज अर्धनारीश्वर मन भावन और पार्थिव स्वरूप में दर्शन देंगे। भगवान की पूजा अर्चना के अल सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों की कतार मंदिरों में लगी रही। शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित गांधी हॉल के 250 साल पुराने गोपेश्वर महादेव मंदिर में भगवान का श्रृंगार श्वेत मावे से कर्पूर गौरम रूप में होगा। भगवान के विराजित कैलाशी स्वरूप के दर्शन के लिए 25,000 से अधिक श्रद्धालु जुटेंगे। भगवान के इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन हुए पंडित दिनेश कुमार ओझा के अनुसार इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे रुद्राभिषेक और मंगला आरती की गई। शहर के पश्चिम क्षेत्र में पंचकुया से 225 साल पुराने भूतेश्वर महादेव मंदिर में भगवान के दर्शन 30,000 से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। भगवान को साफा पहनाया जाएगा, इसके साथ ही महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। वहीं परदेशीपुरा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर में लोग बड़ी संख्या में दर्शन हेतु पहुंचे। इस दौरान भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सावन मास के अंतिम सोमवार होने की वजह से शहर के आसपास शिव मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी गई। पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा गुलरेश्वर महादेव मंदिर एमटीएच कंपाउंड में भगवान का पूजन अर्धनारीश्वर स्वरूप में हुआ। सचिव मनोज तोमर के अनुसार 80 साल पुराने इस मंदिर में भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन के लिए 5,000 लोग जुटे। इस मौके पर अखंड रामायण पाठ भी हुआ। दिन भर भगवान के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा।